going to start our next topic of chapter 6, that is 6.6, comparison of solution, suspension and collides. Solutions are homogeneous mixture. Homogeneous mixture means आप उन्हें यूनिफॉर्म देखते हैं, आपको सॉल्यूशन देखने में एक जैसा लगता है. आपने सॉल्ट मिक्स किया वाटर में तो आपको वो होमोजेनस लगेगा, आपको नहीं पता चलेगा कि इसमें आपने सॉल्ट मिक्स किया हुआ है, वो देखने में एक जैसा होगा. आप कोई भी जूस बना रहे हैं, इन द लास्ट वो देखने में एक ही जैसा लगता है. आप कोई भी जूस बनाए, इन द लास्ट वो आपको देखने में होमोजेनस मिक्सचर लगेगा. आप उसके कॉम्पोनेंट्स को अलग अलग नहीं देखते. आप कोई बाहर से जूस ले आए, वो भी देखने में आपको अगर ऑरेंज कलर का है, रेड कलर का है, जिस मर्जी कलर का है, वो आपको एक देखने में एक यूनिफॉर्म सा लगता है, होमोजेनस मिक्सचर लगता है. आप उसके कंपोनेंट्स को अलग अलग नहीं देखते, आपको एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी नजर आती है. इस तरह के सॉल्यूशंस जो होते हैं वो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं, जो होमोजेनस होते हैं. होमो मीन्स सेम, एक जैसा होता है. जो मिक्सचर आपको एक देखने में एक जैसा लगे उसे आप कहते हैं होमोजेनस. तो सॉल्यूशंस जो होते हैं, जो होमोजेनस होते हैं, वो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं, रियल सॉल्यूशंस होते हैं, कि उनके सारे के सारे कंपोनेंट्स आपस में मिक्स अप हुए होते हैं और एक यूनिफॉर्म सा मिक्सचर बना रहे होते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं. जैसे आप वाटर में इंक डाल दें, वाटर है उसमें आपने इंक ऐड की, तो इंक आपने अगर ब्लू इंक ऐड की है तो आपका पूरा सॉल्यूशन ब्लू कलर का हो जाएगा. लेकिन आप उसके कंपोनेंट्स को, वाटर और इंक के कंपोनेंट्स को सेपरेटली नहीं देख सकते. आपको वो एक यूनिफॉर्म सा सॉल्यूशन नजर आता है, यूनिफॉर्म सा मिक्सचर नजर आता है. दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन एंड बेसिकली इट्स अ ट्रू सॉल्यूशन. ये एक ट्रू सॉल्यूशन है कि आपको उसके कंपोनेंट्स सेपरेट नजर नहीं आ रहे. कोलाइड क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्यूशन में मौजूद पार्टिकल से थोड़े से बड़े होते हैं. लार्जर देन साइज पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन, पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन आर लार्जर देन द पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन. मीन सॉल्यूशन जो ट्रू है, जो यूनिफॉर्म है, उनसे पार्टिकल्स थोड़े से बड़े होते हैं, लेकिन आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते. यू आर नॉट एबल टू सी द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन बाय योर नेकेड आई. दे आर लार्जर देन ट्रू सॉल्यूशन बट यू आर नॉट एबल टू सी देम. यानी कि थोड़े तो बड़े हैं, सॉल्यूशन में मौजूद सॉल्यूट पार्टिकल्स जो आपने मिक्सअप किए हैं, जो पार्टिकल्स हैं सॉल्यूशन में, ट्रू सॉल्यूशन में, उनसे कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स थोड़े से बड़े तो हैं, लेकिन आप उन्हें नहीं देख सकते. फॉर सपोज सॉल्यूशन में प्रेजेंट पार्टिकल्स इतने हैं, इतने साइज के हैं, तो थोड़ा सा बड़ा साइज होगा कोलाइडल सॉल्यूशंस का. आप डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं कि सॉल्यूशन कोलाइडल है या ट्रू सॉल्यूशन है? क्योंकि पार्टिकल्स मिक्सअप होते हैं, आप सेपरेटली नहीं देख सकते. आपको सॉल्यूशन एक जैसा लगता है, जैसे कि ट्रू सॉल्यूशन में है. कोलाइडल सॉल्यूशन में भी आपको सारा का सारा कंपोनेंट यूनिफॉर्म सा, सारा का सारा मिक्सचर यूनिफॉर्म सा लगता है, सारे के सारे कंपोनेंट मिक्स्ड अप लगते हैं. आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन है या कोलाइडल सॉल्यूशन है? कोलाइडल सॉल्यूशन फॉल्स सॉल्यूशन होता है. कोलाइडल सॉल्यूशन इज फॉल्स सॉल्यूशन. और सॉल्यूशन जो ट्रू होता है उसमें होमोजेनस मिक्सचर बनता है टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स का, कि आपको वो देखने में यूनिफॉर्म सा लगता है. तो ट्रू सॉल्यूशन होता है सॉल्यूशन, और अगर वो सॉल्यूशन ट्रू ना हो, फॉल्स हो, दैट मींस देखने में तो वो एक जैसा लग रहा है बट उनकी पार्टिकल्स लार्जर देन साइज हैं, देन द ट्रू सॉल्यूशन दिस इज कॉल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन. आप हम बात करते हैं कि आपको पता कैसे चलेगा कि कोलाइडल सॉल्यूशन है या ट्रू सॉल्यूशन है. कोलाइडल सॉल्यूशन मीन फॉल्स सॉल्यूशन है या आपका सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन है. ट्रू सॉल्यूशन मीन्स होमोजेनस सा है, यूनिफॉर्म सा है देखने में, तो वो वाकई ट्रू सॉल्यूशन है या वो कोलाइडल सॉल्यूशन है कि पार्टिकल्स थोड़े बड़े हैं पर आपकी आंखों का धोखा है कि आपको देखने में वो सॉल्यूशन लग रहा है. आप टिंडल इफेक्ट के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं कि सॉल्यूशन है या कोलाइड है. व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? आपका सॉल्यूशन है किसी कंटेनर में, आप उस सॉल्यूशन में से लाइट पास कीजिए. अगर तो वो ट्रू सॉल्यूशन है तो लाइट स्ट्रेट
पास हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं इस कंटेनर में। अगर तो सॉल्यूशन ट्रू है, मींस प्रॉपर एक सॉल्यूशन है, कोलाइड नहीं है, तो अगर आप उसमें से लाइट पास करेंगे तो वो लाइट स्ट्रेट मूव कर जाएगी, स्ट्रेट पास हो जाएगी, लाइट स्कैटर्ड नहीं करेगी, लाइट डिस्पर्स नहीं होगी, लाइट स्कैटर्ड नहीं करेगी, स्ट्रेटली पास हो जाएगी। बट अगर आपका सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन नहीं है, उसके पार्टिकल्स जो है वो लार्जर इन साइज है देन अ सॉल्यूशन, देन अ ट्रू सॉल्यूशन, सो लाइट पास होने की कंडीशन में लाइट स्कैटर्ड कर जाएगी लाइक दिस, थोड़ा सी फैल जाएगी क्योंकि वो लार्ज पार्टिकल्स हैं तो उनसे स्ट्राइक करेगी, लार्जर पार्टिकल्स लाइट को पास होने का रास्ता नहीं देंगे जिसकी वजह से वो स्कैटर्ड हो जाएगी, फैल जाएगी। सो ट्रू सॉल्यूशन है तो लाइट स्ट्रेटली पास आउट हो जाएगी, और अगर तो आपका कोलाइड है यानी कि फॉल्स सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो लाइट स्कैटर्ड हो जाएगी। टिंडल इफेक्ट के जरिए, दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट के जरिए आप फाइंड आउट कर लेते हैं कि जो लाइट की बीम है, जो लाइट आपने पास की है, वो स्ट्रेट जा रही है या स्कैटर्ड हो रही है। उसके जरिए, टिंडल इफेक्ट के जरिए आप फाइंड आउट कर लेते हैं कि एक सॉल्यूशन ट्रू है या सॉल्यूशन फॉल्स है। फॉल्स सॉल्यूशन की कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे स्टार्च का सॉल्यूशन है, इसके पार्टिकल्स कुछ बड़े होते हैं, स्टार्च के सॉल्यूशन में स्टार्च के पार्टिकल्स लार्जर साइज के होते हैं, जिसकी वजह से देखने में तो आपको वो यूनिफॉर्म सा लगता है, बट अगर लाइट पास आउट करें तो वो स्कैटर्ड कर जाती है लाइट की बीम। एल्ब्यूमिन, सोप का सॉल्यूशन, ब्लड का सॉल्यूशन, मिल्क का सॉल्यूशन, इंक का सॉल्यूशन, जेली, टूथपेस्ट, ये सारे के सारे सॉल्यूशंस कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं, फॉल्स सॉल्यूशन। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं सस्पेंशन की, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड के बीच में। अब हमने सॉल्यूशन और कोलाइड की बात कर ली, यानी कि ट्रू सॉल्यूशन और फॉल्स सॉल्यूशन की बात कर ली, नेक्स्ट हम बात करते हैं सस्पेंशन की। व्हाट इज सस्पेंशन? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर, सस्पेंशन इज अ हेटरोजेनस मिक्सचर ऑफ अनडिजॉल्व पार्टिकल्स। सस्पेंशन में पार्टिकल्स अनडिजॉल्व होते हैं, लाइक आपका सैंड का सॉल्यूशन, अगर आप वाटर में सैंड डाल देंगे तो सैंड के पार्टिकल्स बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएंगे, तो दैट मींस अनडिजॉल्व पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड सस्पेंशन, दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजेनस होता है। अगर आपका मिक्सचर होमोजेनस नहीं है देन दिस इज कॉल्ड सस्पेंशन, जिसमें आप कॉम्पोनेंट को सेपरेटली देख सकते हैं। सैंड को आप वाटर के अंदर देख सकते हैं कि सैंड के पार्टिकल्स अलग नजर आएंगे मूव करते हुए, सेटल डाउन हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद, तो उन्हें आप अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। पार्टिकल्स का साइज लार्जर होता है, लार्जर देन कोलाइडल सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन। क्लियर? सस्पेंशन में पार्टिकल्स का साइज लार्जर होता है देन कोलाइडल सॉल्यूशंस और ट्रू सॉल्यूशंस। एग्जांपल ले लेते हैं इसमें पेंट की, पेंट सस्पेंशंस होती हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सस्पेंशन है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, वाटर में अगर आप चॉक मिक्स कर दें तो आपके पास मिल्की सी सस्पेंशन बन जाती है। चॉक के पार्टिकल्स आपको अलग से मूव करते हुए नजर आते हैं, वो होमोजीनस मिक्सचर नहीं बनाते, होमोजीनस मिक्स नहीं होते, अलग से आपको पार्टिकल्स मूव करते हुए चॉक अगर आप डाल दें वाटर में, एक कंटेनर में जिसमें वाटर है उसमें आप चॉक ऐड कर दें, तो आपको सस्पेंशन फील होती है क्योंकि वो प्रॉपरली मिक्सड अप नहीं होते। सस्पेंशन को आप बहुत इजीली टिंडल इफेक्ट के जरिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वैसे आप अपनी नेकेड आई से भी देख सकते हैं कि सस्पेंशन है क्योंकि प्रॉपरली मिक्स नहीं हुई। सस्पेंशन में अगर आप टिंडल इफेक्ट देखना चाहते हैं तो इसमें तो ब्लॉक हो जाएगी लाइट, सस्पेंशन के पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि अगर आपने इस सॉल्यूशन से लाइट पास करने की कोशिश की तो मोस्ट ऑफ द लाइट ब्लॉक हो जाएगी, पास ही नहीं होगी, बिकॉज पार्टिकल्स आर लार्जर इन साइज। डिफरेंस देखते हैं तीनों का, कंपैरिजन करते हैं इस टेबल के थ्रू, वन बाय वन देखते हैं क्या डिफरेंसेस हैं सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन में। सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूशन की।
पार्टिकल्स एग्जिस्ट इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म एज अ मॉलिक्यूल आयन. डायमीटर इंपॉर्टेंट है. मॉलिक्यूल्स और आयन्स की फॉर्म में सॉल्यूशन में पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं. डायमीटर इज 10 एक्सपोनेंट माइनस 8 सेंटीमीटर. दैट मीन्स पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा है. पार्टिकल्स आर लार्ज कंसिस्टिंग ऑफ मैनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल. इस कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है. होते इसमें भी आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, एटम हैं. कोलाइडल सॉल्यूशन में भी आयंस, मॉलिक्यूल्स और एटम्स प्रेजेंट हैं, लेकिन साइज थोड़ा सा बड़ा होता है सॉल्यूशन में प्रेजेंट पार्टिकल्स से. सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज लार्जर देन सॉल्यूशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन दैट हैविंग अ डायमीटर ऑफ 10 एक्सपोनेंट माइनस 5. यानी कि माइनस 8 इज स्मॉलर देन माइनस 5. माइनस की वैल्यूज में जब आप जाते हैं तो माइनस 1, माइनस 2 की वैल्यू लार्ज होती है देन माइनस 5. और माइनस 5 से लार्जर वैल्यू और माइनस 8 से लार्जर वैल्यू माइनस 5 है. नेगेटिव साइन में ऑपोजिट होता है. वैसे तो 1, 2, 3, 4 जब आप आगे की तरफ जाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में तो वो वैल्यूज इंक्रीज करती हैं, बट नेगेटिव में डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज बड़ी होती हैं. जैसे 10 की पावर माइनस 1 इज अ लार्जर वैल्यू देन 10 की पावर माइनस 2. 10 की पावर माइनस 3 इज स्मॉलर देन 10 की पावर माइनस 2. इन द सेम वे 10 की पावर माइनस 8 इज अ स्मॉलर वैल्यू देन 10 की पावर माइनस 5. सो पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर लार्जर इन डायमीटर. सॉल्यूशन की बात करते हैं. पार्टिकल्स डिसॉल्व यूनिफॉर्मली थ्रू आउट. आपको एक यूनिफॉर्म सा सॉल्यूशन नजर आता है, एक होमोजेनस मिक्सचर बनता है. कोलाइड्स जो है वो होमोजेनस मिक्सचर बनाते हैं, बट एक्चुअली वो होते कौन से हैं? हेट्रोजेनस मिक्सचर. हेट्रोजेनस मिक्सचर है लेकिन आपको अपनी नेकेड आई से नजर नहीं आते. कुछ ना कुछ टिंडल इफेक्ट दे रहे हैं क्योंकि पार्टिकल्स का साइज थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन देखने में वो यूनिफॉर्म से लगते हैं. तो जब देखने में यूनिफॉर्म लगते हैं तो आपको डाउट रहता है. तो इस डाउट को चेक करने के लिए आप टिंडल इफेक्ट के जरिए चेक करते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन है या फॉल्स सॉल्यूशन है. सस्पेंशन के पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होते, हेट्रोजीनस मिक्सचर बनाते हैं, बॉटम पर सेटल डाउन हो जाते हैं. सॉल्यूशन पार्टिकल स्मॉल है, आप उन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते. कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स सॉल्यूशन से थोड़े से बड़े हैं, बट फिर भी आप उन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते. दैट मींस उनका डायमीटर 10.7 तक होगा. ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, 10.6 तक हो गया. क्योंकि 10.5 तक डायमीटर आएगा तो वो सस्पेंशन है और आप पार्टिकल्स को नेकेड आई से देख सकते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं, पार्टिकल्स जो है सस्पेंशन के वो बिग होते हैं और आप अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं. माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है, सस्पेंशन में पार्टिकल्स को आप इजीली देख सकते हैं. सॉल्यूशन सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर. सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट के वो भी फिल्टर पेपर से पास आउट हो जाते हैं. आपका सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल्स तो बहुत छोटे हैं, तो आप अगर इसे फिल्टर पेपर से गुजारेंगे तो पार्टिकल्स भी पास आउट हो जाएंगे फिल्टर पेपर के ऊपर. एज अ रेडियो सेटल डाउन नहीं होंगे बल्कि उसे क्रॉस कर जाएंगे. कोलाइडल सॉल्यूशन पार्टिकल्स तो बड़े हैं लेकिन इतने ज्यादा बड़े नहीं है कि फिल्टर पेपर के ऊपर रुक जाए, वो भी पास कर सकते हैं उसे. सस्पेंशन के पार्टिकल्स फिल्टर पेपर को क्रॉस नहीं कर सकते. फिल्टर पेपर के ऊपर सस्पेंशन के पार्टिकल्स रुक जाएंगे. वी कॉल दिस रेजिड्यू. जब आपका पास आउट हो जाता है मटीरियल फिल्टर पेपर से तो उसे कहते हैं फिल्ट्रेट, और जो पोर्शन आपका फिल्टर पेपर पर रह जाता है उसे रेजिड्यू कहते हैं. तो सस्पेंशन में रेजिड्यू ऊपर रह जाएगा. दैट मीन्स पार्टिकल्स ऊपर ही रुक जाएंगे, पास आउट नहीं होंगे. नेक्स्ट बात करते हैं, सॉल्यूशन में पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट स्कैटर द रेज ऑफ लाइट, दस दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट. सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट शो नहीं होता, लाइट स्ट्रेट पास कर जाती है, स्कैटर्ड नहीं करती. कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स थोड़े से लार्जर इन साइज हैं, दैट्स व्हाई टिंडल इफेक्ट शो होता है, थोड़े से लाइट स्कैटर्ड कर जाती है. और सस्पेंशन में आपको पता है पार्टिकल्स इतने ज्यादा बड़े हैं कि लाइट को पास होने में डिफिकल्टी होती है, ब्लॉक हो जाती है, बहुत ज्यादा स्कैटर्ड कर जाती है लाइट. ये एक कंपैरिजन था सॉल्यूशन कोलाइडल और सस्पेंशन का.